हाँ जी, राम राम सभी भाइयों को स्वागत है आपका राज माथुर फिटनेस चैनल पर। सो गाइस, बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी कि वर्कआउट बताओ बाइसेप्स का, और बाइसेप्स का ऐसा वर्कआउट बताओ जिससे हमारा बाइसेप्स ग्रो हो। तो आज मैं शेयर करने वाला हूँ टॉप 5 एक्सरसाइज बाइसेप्स की, जो कि आपके बाइसेप्स को बड़ा करेंगी। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो राज माथुर ऑफिशियल के नाम से ही मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, ये है हमारी पहली एक्सरसाइज और आप देख सकते हैं ये मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। आप इसको डंबल से परफॉर्म कर सकते हैं अगर आपके पास कोई भी ऐसी मशीन नहीं है तो। और इसमें जो मेरा रेंज ऑफ मोशन है वो पूरा लॉक हो रहा है बाइसेप्स में, आप देख सकते हैं। और आप इसको बिल्कुल लॉक करके करें, मसल माइंड कनेक्शन के साथ करें। बहुत सारे लोग क्या है, इसको बहुत फास्ट करते हैं। नॉर्मल आप किसी भी फ्लैट बेंच पे बैठकर इस वर्कआउट को कर सकते हैं। बस ये है कि आपको अपने हाथों को लॉक करना है और अपनी बाइसेप्स की जो पीक है उसको पूरी तरीके से लॉक करना है। ये देख सकते हैं आप मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है इसमें और आप बहुत ज़्यादा वेट ना लें। सो गाइज, ये हमारी सेकेंड एक्सरसाइज है, इसे हम हैमर कर्ल बोलते हैं, लेकिन मैं इसे रोप से कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसको किस तरीके से कर रहा हूँ मैं। ये आपके बाइसेप्स की लेंथ के लिए बहुत अच्छा वर्कआउट है और आपका बाइसेप्स की लेंथ की वजह से आपका बाइसेप जो है वो बहुत अच्छा लगेगा। आप इसके जो रेपिटेशन है वो 15 के 4 सेट करें। पिछली वाली जो एक्सरसाइज है उसके भी 15 के 4 सेट करें। ये देख सकते हैं आप, ये आपकी बाइसेप्स की पीक को, लेंथ को बढ़ाने के लिए है। और आप अपने हाथ को पूरा लॉक करें, ये देख सकते हैं आप। सो गाइज, ये है थर्ड एक्सरसाइज बारबल कर्ल। और बारबल कर्ल में आप वेट अपने अकॉर्डिंग लें। बहुत सारे भाई इसमें वेट बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं और वो अपनी पूरी बॉडी को मूव करते हैं, लेकिन आपको पूरी बॉडी को मूव नहीं करना है। ये देख सकते हैं आप मैं किस तरीके से अपने बाइसेप्स की पीक को लॉक कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं, और होल्ड भी कर रहा हूँ। बहुत सारे भाई क्या इसको हाफ करते हैं, लेकिन आपको हाफ नहीं करना है, आपको पूरे बाइसेप्स की पीक को लॉक करके चलना है। ये देख सकते हैं आप, मैं ऊपर लाया फिर होल्ड किया इसको, और बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करना है। बहुत सारे भाई इसमें बहुत ज़्यादा वेट लगाने के बाद जर्क करते हैं, तो आपको जर्क नहीं करना बिल्कुल भी, ये देख सकते हैं। सो गाइज, हमारी चौथी एक्सरसाइज है प्रीचर बेंच, और मैं ये मशीन पे कर रहा हूँ। किसी भी नॉर्मल जिम में आपको प्रीचर बेंच जो है वो रोड, बारबल रोड के साथ करना है। ये देख सकते हैं आप, मैं अपने हाथ को पूरा लॉक कर रहा हूँ, अपनी बाइसेप्स की पीक को पूरा लॉक कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, आपको इसको इसके भी 15 के 4 जो रैप्स हैं वो करने हैं, और बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करना है, और मसल माइंड कनेक्शन रखना है, फास्ट नहीं होने देना मूवमेंट को, और होल्ड भी करना है, ये देख सकते हैं आप। सो गाइज, ये हमारी 5th एक्सरसाइज है। ये सभी वर्कआउट का निचोड़ है हमारे का, आप इसको ज़रूर करें। और इसके जो रेपिटेशन है थोड़ा सा बढ़ाएं आप, इसके 25 के 4 सेट करें, और ये आपके बाइसेप्स की पीक को, आपके ओवरऑल बाइसेप्स को टोन देने के लिए बहुत अच्छा वर्कआउट है, तो आप इसको ज़रूर यूज़ करें। ये देख सकते हैं आप, इसके रेपिटेशन आपको 25 के 4 करने हैं। ये देख सकते हैं आप मैं किस तरीके से मूव कर रहा हूँ। बहुत सारे भाई इसको हाफ़ लेते हैं, लेकिन हाफ़ नहीं लेना, आपकी बाइसेप्स की जो देसी भाषा में बोला जाए जो बॉल है उसको लॉक करके चलना है आपको, ये देख सकते हैं आप। क्योंकि बाइसेप्स की एक्सरसाइज है, बाइसेप्स की पीक की एक्सरसाइज है, तो आप पीक पे लोड जरूर डालें। ये देख सकते हैं आप, इसके रेपिटेशन 25 के 4 सेट करने हैं आपको, ये देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करना। सो गाइज, ये थी टॉप 5 वर्कआउट ऑफ बाइसेप्स। आप इसको करके ज़रूर बताएं और कमेंट करें, मुझे बताएं कि ये एक्सरसाइज कैसी थी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियो को आप देख पाएँ। जय हिंद, जय भारत।